अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज का जो व्लॉग है वो एमी व्लॉग है। इसमें यादव भाई ने नाम दिया है। कौन सा व्लॉग है जी? ये एमी व्लॉग है। एमी व्लॉग है क्योंकि इसमें हमारी कोई प्रेपरेशंस नहीं है, कोई हमारी थिंकिंग नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी से कोई आधा घंटा पहले ये भाई साहब मेरे घर पे आए हैं और मैं अच्छी भली पबजी खेलने लगा हूँ, लेकिन इन्होंने कहा जी के ज़रा थोड़ा सा घूम काम जाना है, घूम के आते हैं। मैं जनाब बैठ गया इनके साथ। अब हम कैंट से निकले हैं, कश्मीर रोड पे गए हैं। मैंने कहा अभी मुड़ेगा, नहीं मुड़ा। डिफेंस रोड आ गई, मैंने कहा अभी टर्न लेगा, नहीं मुड़ा। फिर डस्का रोड आ गई, फिर मैंने कहा शायद अब मुड़ जाए, तब भी नहीं मुड़ा। करते करते हम डस्का रोड से भी आगे डस्के पहुंच चुके हैं। इस वक्त तो करते करते जो है हम इस वक्त डस्का सिटी में एंटर हो चुके हैं और पता नहीं ये भाई साहब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं या क्या प्रोग्राम है आपका, कहाँ हम जा रहे हैं। कुछ आइडिया कुछ तो आप मुझे बताएं ना कि हम जा किधर रहे हैं। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है जी। सीन कैसा है? मैंने ना रात को ख्वाब देखी। अच्छा, क्या ख्वाब देखी आपने? ख्वाब में मैंने देखा है कि मुझे हुरैरा भाई गुजरांवाला कहीं से ना कोई ट्रीट दे रहे हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं अपनी बर्थडे का। अच्छा, क्योंकि इनकी बर्थडे मार्च में थी और मार्च में लॉकडाउन था तो ये मुझे ट्रीट नहीं दे सके। अच्छा, फिर ये शायद अल्लाह की मर्जी होती है। देखिए, अगर मैं आपको ट्रीट नहीं दे सका तो जो आपने परसों खाया था वो क्या था? मकसद सिर्फ ये है कि अच्छा एक टाइम स्पेंड कर लिया जाए साथ। अच्छा अच्छा, एक अच्छा टाइम गुजर जाए साथ। ठीक है, सारा दिन इंसान काम कर करके यार बहुत बोरियत हो। अच्छा, वैसे बाय द वे आज आपने सारा दिन क्या काम किया? यार मैं माशाल्लाह मेरी रूटीन है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो फैक्ट्री जाकर, तो वहाँ से फैक्ट्री वापसी का तो कोई टाइम नहीं मेरा, 6-7-8 जब काम भी हो तो लेट से भी लेट हो जाता। आज आप गए थे फैक्ट्री? Due to some circumstances, I was not able to go to the factory today. I was not feeling well. अच्छा। So मैं नहीं जा सका। पर ये कि मैंने मेडिसिन वगैरह सुबह ली, मैं लेटा तो आई गेस सुबह मैं लेटी 7-8 बजे मेडिसिन लेके लेटा तो मेरी तकरीबन कोई 2 बजे आँख मेरी खुली और मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था। माशाल्लाह। तो मैंने जब बाहर आया कुछ मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट था तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हल्की फुल्की सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। पहले मैं अकेले जाने लगा, फिर मैंने कहा अकेले जाके क्या लॉन्ग ड्राइव का मजा। फिर मैंने आपको कॉल की तो यार हुरैरा चलो चलते हैं। नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं कहा चलो चलते हैं। हाँ। आपने मुझे ये कहा कि भाई हम किसी शॉप पे जा रहे हैं और 7 बजे सब बंद हो जाए। नहीं नहीं, ये मैंने आपको कहा था मुझे काम है तो चलो। आप कहाँ चलो मुझे नहीं पता ना, मैं पर्स लेके आया। आप लेके आए पर्स अपना? पर्स ले आए, यहाँ पड़ा हुआ। तो भाई मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। डस्का हम क्रॉस कर चुके हैं, गुजरांवाला हम अब जा रहे हैं मेरा ख्याल है, और वहाँ जाके देखते हैं कि अब हम आगे कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। कि ये हमारा एक कह लें कि अनप्लान्ड ट्रिप है या लॉन्ग ड्राइव जो भी आप समझ लें, तो कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं होती। देखो हर दफ़ा प्लान ट्रिप होता हमारा, ठीक है, कुछ कभी ऐसा एडवेंचर भी कुछ करना चाहिए लाइफ के अंदर जो प्लान ना हो, उसका हम लोगों का रिस्पांस देखना चाहते हैं कि वो हमारा ब्लॉग बनता कैसा है और लोगों का उस पर क्या रिव्यूज आते हैं कि यार आप ऐसे ही बनाया करो अचानक या प्रॉपर प्लानिंग करके ब्लॉग बनाया करो। तो वो इस ब्लॉग के बाद पता चलेगा, इसके व्यूज के बाद मुझे पता चलेगा, इसके कमेंट्स के बाद पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। एमी ब्लॉग चाहते हैं कि प्रॉपर प्लान ब्लॉग चाहते हैं, एटलीस्ट मुंह ही धो के आ जाता है कोई। Thank you.
पहुंच चुके हैं और हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, सिविक सेंटर है, बेस है और चेज अप है। फिर हम सारे थोड़ा थोड़ा तो हमने अब देखना है कि पहले हम किस में जाते हैं। कुछ खरीदने क्या, बस टाइम पास करने आए हैं। मैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए था, आपने कहा यार ये मॉल्स आए, चलो रुक के थोड़ा टाइम, चलो और अच्छा स्पेंड हो जाएगा। सबसे पहले जी हमारा जो स्टॉप है वो है पेस गुजरांवाला का। अब मुझे ये नहीं पता कि अंदर जो है वो वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं है, लेकिन शायद क्योंकि रश यहाँ पे काफ़ी कम है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वीडियोग्राफी जो है वो करना अलाउड होगी, मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी है। बरहाल अंदर जाके देखते हैं। कोई भी नहीं है, बहुत कम कस्टमर्स हैं, लाइक 5-10 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और दुकानें भी तकरीबन जो है ना वो सारी बंद हैं। तो गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कौन से जॉगर्स? White. Dragon Pie. और शायद पेस की जो बिल्डिंग है वो सोल्ड आउट है, किसी बैंक ने शायद बाय कर ली है, जिसकी वजह से सारी जो शॉप्स हैं वो यहाँ पे बंद हैं और कोई कस्टमर नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और जाएंगे। कहाँ जाएंगे पता नहीं, सिविक सेंटर या चेज़अप या कहीं और। तो अभी भी जो है हम लोग निकले हैं पेस से, लेकिन वहाँ पे ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी। चंद एक शॉप्स थी 4-5-6-7 जो कि ओपन थी और कस्टमर्स गिन के 10 होंगे मेरा ख्याल है, जिनमें 2 हम लोग थे। तो और हम पेस भी काफ़ी अरसे के बाद, मेरा ख्याल है कि कितने अरसे के बाद आए हम, काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद हम दोबारा पेस में आए। अदरवाइज पहले चक्कर हमारे लगते रहते थे, लेकिन उस वक़्त काफ़ी गहमा गहमी का आलम होता था, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल ही सुनसान और बंद पड़ा हुआ था। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पेस की बिल्डिंग है वो भी शायद बैंक ले रहा है, कोई इस तरह की जो है ना वहाँ पे सिचुएशन चल रही है फिलहाल। उससे आगे सिविक सेंटर था, वहाँ पे एक ही शॉप है, और उसके बाद चेज़अप था, वहाँ पे हम रिसेंटली गए थे, हमारा जो कोई लास्ट ब्लॉक था मेरा ख्याल है, उससे जो सेकेंड लास्ट ब्लॉक था उसमें हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं किंग्स मॉल में, और वहाँ जाके देखते हैं कि वो भी ओपन है या क्लोज है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, सिर्फ आधा घंटा रह गया 7 बजने में, एंड वी आर नॉट श्योर कि 7 बजे तक की टाइमिंग है या मे बी एक्सटेंड करें, अभी कुछ पता नहीं। किंग्स मॉल जो है वो हम पहुंच चुके हैं, मगर 7 बज चुके हैं और किंग्स मॉल बंद हो चुका है। आपका क्या प्रोग्राम है, अब क्या करना है? मैं कुछ खाऊंगा। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे Non-licious है, दिस इज Non-licious, पीछे हार्ट, लेकिन हम कुछ और ट्राई करेंगे। पहले हम जरा इस ट्रैफिक से तो निकल जाएं, क्योंकि रश बहुत है यहाँ पे। अभी जो है हम कुछ खाने आए हैं हार्डीज पे, और हमने सिर्फ गूगल मैप पे सर्च किया, एंड आई डिडंट न्यू कि ये इतनी ये कोई खूबसूरत किस्म की जगह होगी। बहुत ही अच्छा व्यू है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। और जो लोकेशन है बहुत कमाल की लोकेशन है, शाम के टाइम तो मैं तो यार फर्स्ट टाइम है, और इस वक्त बहुत प्यारा व्यू है। लोकेशन मैं इसकी आपको टैग इसमें दिखा दूंगा गूगल मैप के अंदर कि ये कहाँ पर है हार्डीज, ताकि अगर आप लोगों ने भी इसको विज़िट करना हो तो आप लोग इसको कर सकें। ऑर्डर हम दे चुके हैं, मैंने क्या करवाया मुझे भूल गया, आदिल भाई ने करवाया था सुपर स्टार बर्गर, एक थी लोडेड फ्राइज़, और मेरा पता नहीं क्या था, मेरा क्या था, चिकन फिले सैंडविच समथिंग इस तरह कुछ था। तो अब हम लोग ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और हम जाएंगे बाहर व्यू को एंजॉय करने। लोकेशन का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मॉल ऑफ गुजरांवाला, तो आई गेस के ये जो लोकेशन है ये मॉल ऑफ गुजरांवाला की है, मे बी ये जो अंदर है ये मॉल ऑफ गुजरांवाला होगा। अभी भी जो है यहाँ पे लाइट्स ऑफ हुई हैं, लेकिन जब लाइट्स ऑन थी तो बहुत अच्छा व्यू था, और मेरे ख्याल से कि ये कोई मॉल ही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टिल, और लगता है ऐसे जैसे हम इंग्लैंड की गलियों में जो है वो फेर रहे हैं। खाना जो है वो हमारा आ चुका है, ये हमारी लोडेड फ्राइज़ हैं, ये हमारा ग्रिल्ड सैंडविच है, और ये हमारा चिकन फिले वाला बर्गर है। तो अब क्योंकि ये बर्गर्स हैं और ट्राईपॉड मैं लेके नहीं आया, तो मैं अब खाते हुए दिखा नहीं सकता और दिखाते हुए खा नहीं सकता। तो एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है, या तो आप खा लें तो या दिखा लें। तो क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि मुझे खा लेना चाहिए और फिर आपसे बात करनी चाहिए। आदिल भाई आप स्टार्ट करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है जी मॉल ऑफ गुजरांवाला,
जिसका व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है एंड इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, बट लोग जो हैं वो इसकी ब्यूटी की वजह से इसको देखने आए हुए हैं। ये सामने नाम मेंशन्ड है और ये यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है। भाई लाइट के अंदर ही मुंह घुसा लो यार आप। मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा फाउंटेन लगा हुआ है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस सियालकोट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वी हैव रीच्ड सियालकोट और बस घर पहुँचने वाले हैं हम लोग कुछ चंद मिनट्स में। तो आज का जो हमारा व्लॉग है जिसका नाम आदिल भाई ने रखा है, क्या नाम रखा है आपने? एमी व्लॉग। वो यहाँ तक ही है। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।